देखो थर्ड काउंसलिंग ते वीडियो लिए कह रहा हाँ जनरल इनफॉर्मेशन दे रहा हाँ पहला ये सारिया गल्लां दसियां जा चुकिया ने कि थर्ड काउंसलिंग विच जी एन डी यू डायरैक्ट करेगी ऑल कॉलेजिज ओके ऑल कॉलेजिज मीन गवर्नमेंट भी एडड भी और प्राइवेट भी ठीक है जिथे मैनेजमेंट कोटा आएगा सिर्फ प्राइवेट होंगे गवर्नमेंट एडड एंड प्राइवेट कॉलेज जिहड़ियां सैकेंड काउंसलिंग तो बाद सीट्स खाली रह गई ने मान लो किसी दियां 5% रह गई हैं किसी दियां 10% रह गई हैं किसी दियां 20% रह गई हैं प्रोबेबिलिटी यही होंगी है ठीक ये खाली सीटा नूं भरन लई जिहड़े बच्चों की सैटिस्फैक्शन नहीं हुई वो बच्चे जिहड़े फर्स्ट ते सैकेंड काउंसलिंग विच एडमिट नहीं हुए कॉलेज या सब्जैक्ट नहीं चूज कर सके वो इस काउंसलिंग च डायरैक्ट उस कॉलेज नूं अप्रोच करनगे तुसी उस कॉलेज नूं अप्रोच करना है अप्लाई करना है जे कोई फॉर्म भरन लई कहिंदे ने फॉर्म फिल करोगे फॉर्म इसलिए फिल करना है कि तुहाडी मैरिट बननी है तुहाडे रैंक जो है कैटागरी जो है मेजर सब्जैक्ट है पंजाब कोटा है जा दूसरा कोटा है ना रिजर्व कैटागरी है वो सारिया चीज़ों नूं देखते हुए गवर्नमेंट ने इसनूं रिजिडली फॉलो करना है ये गल पक्की है ठीक है सो उस दे मुताबक तुसी अप्लाई करोगे वो अप्लाई करन दे 2 दिन देंगे 3 दिन देंगे वो अप्लाई करन तो बाद मान लो सीटा है 5 अप्लाई करन वाले है 10 गवर्नमेंट कॉलेज विच ते वो मैरिट च जिहड़ा टॉप अगे आ 5 बच्चे होणगे उन्हां नूं एडमिशन मिल जाएगी बाकियां नूं नहीं मिल गई वो बाकी जिहड़े ने एडेड कॉलेज च जां अपने मनपसंद दे प्राइवेट कॉलेज विच जा सकदे ने वो भी प्रोसीजर इसे तरह रहेगा प्राइवेट वालियां दा इन्हां दा प्रोसीजर कोई इस तरह कॉम्पलैक्स नहीं होएगा इन्हां ने सिर्फ तुहानूं फीस की गल करनी है जो तुहाडियां शर्तां हैं जो तुसीं पुछना गिछना चाहुंदे हो पुछण तो बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना किन्नी फीस वाधू लोगे किन्नी एग्जामीनेशन फीस है स्टूडेंट रिटर्न तो नहीं लोगे कोई फाइन तो नहीं पाओ ये सारा कुछ पूछने तो बाद प्रोस्पेक्टस होस्टल वो सारा कुछ तो तुम सिर्फ इन्होंने फीस फाइनल कर दे हो और इन्हों को सीट खाली है बेशक वो सीट एससी कैटेगरी की है बेशक वो जनरल कैटेगरी की है बेशक वो एसएसटी की है बेशक साइंस की है किसी भी दी है ये किसी च भी कन्वर्ट करके तुहानू दे देंगे ये कर लेंगे ने नॉर्मली कर लेंगे ने सो इस टेंडेंसी करके वो जिहड़े बच्चे एडजस्ट नहीं हो सके जिन्हां नूं मेजर ते माइनर सब्जैक्ट अपनी मनपसंद दा नहीं सी मिलिया वो प्राइवेट कॉलेजेस ने दे देना आ है ना ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी फर्क थोड़ा पएगा कई कॉलेज बिल्कुल नहीं करनगे हो सकता रिजिड रहन पर मोस्टली कॉलेज ये कर लेंगे ने सो तुहाडी उत्थे एडजस्टमेंट हो जानी है उस तो बाद तुसी फीस पे करते हो और तुहाडी सीट फिल हो जाती है तुसी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो फोटो स्टेट कॉपी एक देंदे हो उस तो बाद क्लासा लगानियां है होर कुछ भी नहीं है ठीक सो इस तो इलावा थर्ड काउंसलिंग का होर कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी जो इन्फॉर्मेशन दिंदी है वो मैं जरूर दस दाँगा जिन्हां ने टेस्ट नहीं दिता वो मैनेजमेंट कोटा च जाणगे जो अलग तो प्रोसीजर चल रहा है उस नाल 2600 जनरल कैटेगरी और 1300 रिजर्व कैटेगरी पे करना पड़ेगा थैंक यू